हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। सो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग्स। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लिस्ट पढ़ेंगे जो हमारे M2R5 का जो हमारा मॉड्यूल है R5.1 हो गया है अब वो। सो उसमें हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की वीडियोस देखेंगे। और इसकी पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ फॉर्म्स के ऊपर, उसकी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बेसिकली हम इस जो सीरीज़ है उसमें हम HTML के बारे में पढ़ेंगे पहले, क्योंकि जो बेस है हमारा वेबसाइट का वो HTML से स्टार्ट होता है, तो HTML से हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आज हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप अपना यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में आपको वहाँ पर सबसे ऊपर जब आप वहाँ पर सर्च बार में डालेंगे MRY स्टडी डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर ही आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर आप वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो आप ही जो मैंने लेटेस्ट वीडियोस डाली हैं वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको सारी। और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी वीडियोस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने A-Level A5R5 की अभी तक जितनी वीडियोस डाली हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी आपको। पाइथन से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी जो मैंने इसमें डाली हुई हैं, पाइथन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी आपको। सो जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बिल्कुल ट्यूटोरियल के साथ। मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड विद द हेल्प ऑफ कोड एडिटर के साथ मैंने उसको समझाया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सो बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सो लिस्ट क्या होती है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सो लिस्ट इज़ अ मेथड दैट HTML ऑफर्स फॉर स्पेसिफाइंग एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा। लिस्ट क्या है? एक तरीके का मेथड है। मेथड का मतलब आप समझ सकते होंगे कि मेथड जो होता है वो एक तरीके का फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब हम ये तरीके से कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल AC जो होता है उसका फंक्शन होता है कि वो हमें ठंडी हवा देता है। उसी तरीके से HTML में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट का वर्क बहुत ज़्यादा चीज़ों में होता है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाई, उसमें हमें टेबल तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। हमने एक किसी भी चीज़ की हमें लिस्ट बनानी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बर्थडे पार्टी की लिस्ट बनानी है कि बर्थडे पार्टी में कौन कौन से फ्रेंड्स आएंगे हमारे। जैसे हमें एक लिस्ट बनानी है उसमें बर्थडे पार्टी में कौन कौन से फ्रेंड्स आएंगे। सो हम पहले नंबर पे नाम लिखते हैं, दूसरे नंबर पे नाम लिखते हैं, तीसरे नंबर पे, ऐसे हम नाम लिख लेते हैं लिस्ट में कि हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो लिस्ट तो नॉर्मल सी चीज़ है। लिस्ट हम जब हम MS Word पढ़ते हैं, MS Word में भी हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, दो तरीके की लिस्ट होती हैं, अपन को पता है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली उसी को हम कैसे कोड करते हैं और कोड करने के बाद कैसी वो दिखती है वेबसाइट में, उसको हम आज देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली, उसके बाद हम ये समझते हैं कि लिस्ट को किस टैग से डिफ़ाइन किया जाता है। तो लिस्ट सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक मेथड होता है HTML में, स्पेसिफाई एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा इन लिस्ट स्टाइल, लिस्ट के स्टाइल में करता है। 1, 2, 3 ऐसे भी कर सकता है, या फिर अगर आप डॉट बनाना चाहें या कोई ऐसा सिंबल बनाना चाहें तो वैसे भी लिस्ट डिफाइन कर सकता है। वेब पेज लिस्ट आइटम्स लाइक हेडिंग और एनी टेक्स्ट स्टार्ट्स विथ li टैग। li टैग का वर्क होता है HTML में, किसी भी लिस्ट की जब हम स्टार्टिंग करते हैं
तो उसकी स्टार्टिंग एलआई टैक्स से होती है। सो जो एलआई टैग होता है वो लिस्ट को डिफ़ाइन करता है, एक लिस्ट की हेडिंग को डिफ़ाइन करता है, और उसके अंदर हम जो भी आइटम्स ऐड करते जाते हैं तो उसी टैग के अंदर आइटम्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन और क्या सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट की टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिस्ट आपको पहले से ही जो हमारे पास हैं वही हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसको यूएल टैग से डिफ़ाइन करते हैं। यूएल टैग जो होता है हमारा उससे डिफ़ाइन किया जाता है। दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग प्लेन बुलेट। प्लेन बुलेट मतलब बोला जाए तो इस नंबर से या किसी ऑर्डर से हम डिफ़ाइन नहीं करते। ठीक है, कोई भी चीज़ को हमें ऑर्डर में नहीं रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ की रेसिपी अगर हम लिख रहे हैं तो उसको ऑर्डर में रखना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर में नहीं रखना है तो हम उसको ऐसे भी रख सकते हैं कि हाँ ये इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टी बनानी है तो टी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, जैसे उसमें मिल्क लगेगा तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि मिल्क लगेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट मुझे उसमें चाहिए टी पाउडर चाहिए तो टी पाउडर लगेगा। ठीक है, टी पाउडर लगेगा, और फिर दूसरी चीज़ शुगर लगेगी। तो ऐसे मैंने ऐसे एक लिस्ट बना दी। तो इस तरीके से अगर हम बुलेट्स की मदद से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमने उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं बनाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में कभी भी कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें लानी हैं आपके फंक्शन में, तो वो एक ऑर्डर में आपको दी जाती है, एक लिस्ट फॉर्म में, उसको बोला जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया, लेकिन अब इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम विदाउट एनी स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस एट्रीब्यूट यूज्ड टाइप। सो हम किस तरीके से हमें उसको डिफ़ाइन करना है वो हम टाइप एट्रीब्यूट की मदद से उसको देखते हैं। सो टाइप एट्रीब्यूट एक तरीके का एट्रीब्यूट होता है जो लिस्ट में, लिस्ट टैग के अंदर होता है, जो क्या करता है, जो किस तरीके की जो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी कि क्या वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी, क्या वो डिस्क के फॉर्म में होगी, ठीक है, कि क्या वो सर्कल के फॉर्म में होगी, एक छोटा सा सर्कल है उसके फॉर्म में होगी, किस तरीके की लिस्ट हो, किस तरीके की वो टाइप होगी, वो हमारा ये एट्रीब्यूट वर्क करता है। सो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है, जब हम यूएल टैग की मदद से अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें टाइप हम यूज़ करते हैं स्क्वायर, उसी तरीके से हम उसमें टाइप यूज़ करते हैं डिस्क, उसी तरीके से हम यूज़ करते हैं सर्कल। सो टाइप ये जब हम एग्ज़ाम्पल करेंगे अभी ट्यूटोरियल एक जो कोड एडिटर में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, सो ये तो हो गया ये यहाँ पर। इसके बाद आ जाती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का वर्क क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का फंक्शन होता है कि जो ऑर्डर्ड बनाना चाह रहे हैं हम और लिस्ट में ऑर्डर डालना चाह रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 या ABCDE या फिर रोमन में लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराता है कि किसी भी चीज़ को सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब जैसे मैंने कहा, मैंने अभी आपको टी की बताया था कि टी में क्या क्या रेसिपी लगेगी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि टी बनाने के लिए क्या 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 स्टेप्स लगेंगे। तो वो जो स्टेप्स होते हैं उनको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो ऑर्डर्स लिस्ट की मदद से होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इसमें जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, तो दो एट्रीब्यूट इसमें यूज़ होते हैं, पहला टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है और दूसरा स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि फॉलोइंग आर दी एट्रीब्यूट यूज इन दी ऑर्डर्ड लिस्ट। सो आपको वहाँ पर अगर ये दिया हो टाइप एट्रीब्यूट स्टार्ट एट्रीब्यूट, सो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब टाइप एट्रीब्यूट जो होता है उसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो क्या रखते हैं, जैसे 1 है तो 1 रख देते हैं, तो जो हमारी लिस्ट फॉर्म होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 ऐसी लिस्ट बनेगी हमारी। ठीक है, वैसे ही जैसे हम अगर हम चाहें उसमें
ए बी सी डी रखना, तो ए आएगा सबसे पहले, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम रोमन में रखना चाहें तो रोमन का जो कैपिटल आई होता है वो रखेंगे, तो लिस्ट हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम छोटा आई रखते हैं उसमें, तो हमारी जो लिस्ट है वो छोटे रोमन अक्षरों में बनेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने छोटा आई रखा, तो छोटे आई से फिर वो ऐसे ही बनेगी, छोटा दो जो टू रहता है रोमन का, ठीक है, ऐसे ही थ्री बनेगा हमारा, तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। उसी तरीके से छोटा कैपिटल लेटर जो होते हैं, कैपिटल लेटर बोलो, स्मॉल लेटर जो होते हैं हमारे लोअर केस में, वो हमारे इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट एट्रीब्यूट का वर्क क्या होता है, इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट का वर्क होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑर्डर लिस्ट बनानी है, अब उसमें वन से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे फाइव से स्टार्ट करना है, तो मैं फाइव से करूँगा। अब फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सेवन से ये लिस्ट हमारी ऐसे बनती हुई जाएगी, ठीक है। उस तरीके से अगर मुझे ए लिखना है और स्टार्ट करना है मुझे सी से, तो सी से ही वो स्टार्ट होगा। जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके बताऊँगा तो उसमें दिखाऊँगा कि कैसे होता है। अगली एक लिस्ट पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आपको, ये है हमारी, ये है हमारी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। सो डेफिनेशन लिस्ट जो होती है उसका बहुत कम यूज़ होता है वैसे तो वेब डिज़ाइनिंग में, ज़्यादातर यही दो लिस्ट का यूज़ होता है, लेकिन अगर इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं ब्लॉग वगैरह लिखने में, या फिर कोई चीज़ न्यूज़ वगैरह लिखते हैं हम, जब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन लिस्ट का बेसिक सा एक वर्क होता है कि कोई भी अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में जो हेडिंग होती है वो अलग से विदाउट एनी हेडिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम उसमें हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिक सा सिंटेक्स होता है डी एल, मतलब डी एल जो लिस्ट स्टार्ट हो रही है, जैसे यू एल और ओ एल का यूज़ कर रहे थे हम, वैसे ही डी एल हो जाएगा। फिर डी टी जो होता है वो हेडिंग होती है, तो हम इसके अंदर डी टी टैग रखते हैं, उसके अंदर हेडिंग डालते हैं। सो आप देख सकते हो आउटपुट कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। फिर हम डी डी टैग का यूज़ करते हैं। डी डी टैग का वर्क क्या होता है, डी डी टैग का वर्क होता है किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या फिर उस जो हेडिंग ली है हमने उसकी उसको उसकी डिस्क्रिप्शन अगर हमें देनी है तो हम डी डी टैग की मदद से दे सकते हैं। सो उसका जो होता है वो हमारा नीचे आ गया। फिर हम डी एल टैग की मदद से इसको ओवर क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अब इन तीनों लिस्ट को हम कोड एडिटर में, जो हमारा वेब कोड एडिटर है उसमें हम करके देखते हैं। सो बेसिकली अगर फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो आप प्ले स्टोर से वेब कोड करके, ये एक वेब कोड एडिटर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो जो लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो अगर जो लोग डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डेस्कटॉप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में। वो एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं एंड्रॉयड में यूज़ कर रहा हूँ। तो एंड्रॉयड में आप प्ले स्टोर से वेब कोड की एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस वेब कोड की एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, HTML फाइल में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसमें हम lists.html करके इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज पाथ मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है, तो मैंने क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये एक डिफ़ॉल्ट बन के आ गया है हमारे पास, तो यहाँ पर हम सिर्फ टाइटल ही चेंज कर देंगे, इसका टाइटल हम चेंज कर देंगे, टाइटल रख देंगे यहाँ पर लिस्ट इन HTML एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है, ये हमने रख दिया टाइटल। अब यहाँ पर हम बॉडी है हमारे, हेडिंग है, हेडिंग में यहाँ पर हम हेडिंग नहीं चाहिए हमें, हेडिंग को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमें ऑर्डर लिस्ट चाहिए, ऑर्डर लिस्ट पहले हम अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, तो यू एल टैग का यूज़ करेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए।
अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है UL टाइप यूज टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम। टाइप एट्रीब्यूट में हमें यहाँ पर रख देते हैं डिस्क टाइप चाहिए हमें। नीचे हम जाएंगे OL टैग आ जाएगा हमारा, LI टैग आ जाएगा। LI टैग में हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम सब देख लेंगे इसमें। तो LI टैग में हम सबसे पहले हमें एप्पल चाहिए, सबसे पहले हमें एप्पल चाहिए तो हम एप्पल रख लेंगे सबसे। फिर उसके बाद फिर LI टैग को खोलेंगे हम, फिर ऑरेंज आ जाएगा, फिर नीचे जाएंगे हम, फिर यहाँ से ग्रेप्स आ जाएंगे। LI टैग के अंदर आपको जितनी भी लिस्ट के आइटम्स हैं वो आप सबको आपको सबको हम इसमें रखना है, ठीक है, इसी के अंदर रखना है, ठीक है। नीचे UL टैग जो है आपका वो क्लोज हो जाएगा। इसको थोड़ा रन करा के देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स वो डिस्क टाइप में ऐसी आ रही है। अब मैं यहाँ पर टाइप चेंज कर देता हूँ, टाइप में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर जब रन कराता हूँ तो स्क्वायर में आपकी पूरी लिस्ट आ रही है। फिर मैं यहाँ पर सर्किल कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ तो आपकी लिस्ट जो है वो इस तरीके से सर्कल में आएगी। अब मैं यहाँ पर OL टैग का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको ऑर्डर लिस्ट का। अब इसके अंदर मुझे एक हेडिंग रखनी है, तो हेडिंग कैसे रखूँगा, UL टैग जो है इसके ऊपर मैं लगा दूँगा फ्रूट्स करके, फ्रूट्स ठीक है। तो फ्रूट सबसे ऊपर आ रहा है, एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये आप इसमें हेडिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद OL टैग का यूज़ करते हैं हम। OL टाइप में हम क्या कर देंगे, टाइप हटा देंगे, टाइप के अंदर डाल देंगे। ऐसे मुझे अल्फ़ाबेट यूज़ करनी है तो कैपिटल A से स्टार्ट करनी है, ठीक है, और नीचे OL टैग का यूज़ कर दूँगा। इसको रन करेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बी से ऑरेंज, बी पे ऑरेंज है और C से ग्रेप्स है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर I से चाहिए तो I से भी कर देते हैं तो रोमन्स में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मुझे वन का भी दिखा देता हूँ, वन का दिखा दिया आपको। स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में देख लो, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप OL टैग से इसको आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम DL टैग का यूज़ करके देख लेते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब DL टैग में क्या करूँगा, मैं पहले DL टैग बना लेता हूँ। DL टैग मैंने बना लिया, ठीक है। अब DL टैग में मेरा DT टैग होगा, DT मतलब हेडिंग, ठीक है। T फॉर हेडिंग आप ये ऐसे याद कर लीजिए, और D फॉर बॉडी, ठीक है। अब हेडिंग में मैं क्या, सबसे पहले मुझे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देनी है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मैंने लिख दिया, इसके बाद मैं नीचे DT टैग लगा देता हूँ और DT टैग में मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर is an electronic machine which runs on electricity, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने यहाँ पर DD टैग को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करा लेता हूँ। सो देख सकते हैं कंप्यूटर जो है वो आपका ऊपर आ रहा है, और नीचे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रनस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से DL टैग का यूज़ हम करते हैं, ठीक है।
डी टी टैग का यूज़ करते हैं हम उसकी हेडिंग को दिखाने के लिए, ठीक है, और उसको DL टैग का यूज़ करते हैं हम उसको करने के लिए। सो होप आपको इस ट्यूटोरियल में आपको ये लिस्ट का जितना भी पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।